नमस्कार, एएफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। असोथर फतेहपुर बढ़ती महंगाई के खिलाफ 9 अगस्त को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वर्तमान सरकार विरोध में जगह जगह जोरदार रैली निकाली, जिसमें असोथर नगर पंचायत में अयाह शाह विधानसभा के अध्यक्ष राजीव लोचन निषाद की अगुवाई में असोथर गल्ला मंडी से रैली की शुरुआत हुई, जिसमें डीजल पेट्रोल व गैस सिलेंडर की बढ़ती महंगाई के खिलाफ जोरदार रैली निकाली गई। बैलगाड़ी में गैस सिलेंडर रखकर व ट्रैक्टर मोटरसाइकिल से पूरे नगर पंचायत में वर्तमान सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला गया। इस रैली में लगभग सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया व सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के 70 सालों में इतनी महंगाई नहीं आई जितनी कि भारतीय जनता पार्टी के 7 साल में आई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वादे तो बहुत किए लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं किया। वहीं गाजीपुर के वाजईपुर मार्ग की चौपट दुर्दशा व जगह जगह गड्ढे व रोड में भरा पानी, क्या यही विकास किया है? नौजवान रोजगार के लिए परेशान है तो किसान अन्ना मवेशियों से, क्या यही है अच्छे दिन? उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में गरीब किसान व बेरोजगार युवा भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी। इसी मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अयाह शाह, विधानसभा अध्यक्ष राजीव लोचन निषाद, असोथर ब्लॉक अध्यक्ष श्रीराम पासवान, आकाश पासवान व पदाधिकारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। और मेहनत जोड़ दिया जाए तो सब लगभग बराबर, लेकिन मजबूरी है किसान की, खेती के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। इतनी ज्यादा महंगी बिजली है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश। किसान बिल पे आप क्या कहना चाहेंगे? किसान बिल का हमारा तो मोटा मोटा ये कहना है कि जैसे हम आप किसान हैं, किसी के पास 2 बीघा खेती, किसी के पास 4 बीघा खेती है, हमारे आपका समय तो हम खेती करते हैं, अगर हमारे आपका समय नहीं है तो हम बटाई दे देते हैं, इसकी भी व्यवस्था नहीं। जिला कांग्रेस आज जो रैली निकाली गई है, ये किन रणनीतियों के कारण निकाली गई है? हमारे कांग्रेस नेतृत्व के निर्देश पर भाजपा सरकार द्वारा जो विभिन्न तरह की समस्याएं हैं, महंगाई है और उन सब मुद्दों को लेकर के आज ये हमारा जुलूस निकाला गया, जिसमें खास तौर से हमारा किसान, नौजवान, बेरोजगार, महंगाई, तेल की दरें और खास तौर से जो क्षेत्र में सड़कें हैं, असोथर एक बहुत गंभीर समस्या है। सड़क की हमारी असोथर विजयपुर मार्ग है, जो आपके कस्बे का अंदर का मार्ग है, इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के आज ये मार्ग। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहेगी, क्या इस बारे में? देखिए, कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस एक आंदोलन है और कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराने से लेकर लगातार वो मुद्दों को लड़ रहे हैं। अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो मुद्दों से हट के राजनीति को सत्ता के लिए कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो मुद्दों को लेकर के चल रही है। तो जैसे मतलब युवाओं के लिए क्या करना चाहेगी, इस बारे में कुछ जानकारी? देखिए, भाजपा सरकार में हमारा नौजवान पढ़ते पढ़ते बुढ़ा हो जाता है और कोई भी वैकेंसी भाजपा सरकार में अच्छी तरीके से उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार आएगी तो ईमानदारी से जो हमारा नौजवान पढ़ता है, मेहनत करता है, उसी आधार पर उसको नौकरी देने का काम किया जाएगा। किसान भाइयों को कैसी मदद मिल सकेगी इस आज? QFT न्यूज 24 के लिए महेश कुमार की रिपोर्ट।